दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज मैं आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूं जो ऐसी ही अद्भुत औषधियां हैं और अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध है। उनमें से एक औषध है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी हम सबके घर में है, ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो ये जो श्याम तुलसी है, इसी के औषधीय गुण हैं। राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं है। तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है, साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी समय मिलती है, कोई भी समय में आपको ये मिलती है। तो आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। अब ये जो श्याम तुलसी है, इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने, ज्वर, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या टाइफाइड का बुखार आ गया आपको, या सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है। तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग करें। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है, 15-20 पत्ते इसके तोड़िए श्याम तुलसी के, चटनी बना के उसका रस निकाल लीजिए, इस रस को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और अगर आप शहद खा सकते हैं, मध खा सकते हैं तो थोड़ा सा मध मिला दीजिए, और इस रस को मध के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है, बहुत अद्भुत। तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए, बुखार तुरंत 105 से 102 101 पे आ जाए। काढ़ा कैसे बनाना है? तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए, आधा कप पानी में खूब उबालिए इस पानी को, इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बना के पी लीजिए। तो ये काढ़ा है तुलसी का, इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है, बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने। इसी तुलसी का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती हैं। मासिक पाड़ी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, सफेद पानी आना, पांडरे पानी की शिकायत, जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परेशान है, काफी माताओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो पांडरे पानी जाने की शिकायत जिनको है, अंग्रेजी में जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, इसकी सबसे अच्छी औषध है यही तुलसी, श्याम तुलसी। इस श्याम तुलसी का भरपूर उपयोग करिए, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है कि इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बना के रस निकाल के ले सकते हैं। और जिन माताओं को ज्यादा दिनों की ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिक्योरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए, तो जिंदगी भर के लिए आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग, इसी तुलसी का एक तीसरा उपयोग भी है, बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं
जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती है, खुलकर कोई भी पेशाब नहीं आती, लघवी के लिए जाते हैं लेकिन लघवी नहीं होती, कई बार ऐसा सेंसेशन आ जाता है, होती है तो एक दो बूंद होती है, आगे नहीं होती, ऐसे सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए, वृद्धों के लिए भी इस तुलसी का अद्भुत उपयोग है। तरीका मैंने बता दिया, एक ही है, या तो काढ़े के रूप में नहीं तो उसका रस। और ये तुलसी एक काम में आती है, अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत डेंड्रफ है, बहुत परेशान है, खोड़ा, खोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं बरन, कोंडा, ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही शाम तुलसी का रस निकालिए चटनी बनाकर और ये बाल में लगा लीजिए, एक तास के बाद बाल को धो दीजिए, सब कोंडा निकाल दें, डेंड्रफ आपका एकदम ठीक कर देती है। और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक फाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है, आपको 3 दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन 5 दिन जा रहा है, 7 दिन जा रहा है, कभी कभी 10 दिन जा रहा है, तो यही तुलसी का रस पी लीजिए, रक्त को तुरंत बंद करते, बहुत अद्भुत है। इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में पेट में कीड़े हो जाते हैं, जंतु हो जाते हैं, और उस जंतु के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं लेकिन वो सब खाना उनके जंतु खा जाते हैं, शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जरा भी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जंतु है तो यही तुलसी का रस और उस काढ़े से जंतु सब निकल जाते हैं। इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं। और एक आखिरी बीमारी, शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया, व्रण जिसको कहते हैं, और इतना भयंकर घाव हो गया कि भरता नहीं, उसमें से लस्सी भी निकलती है, उसमें से रक्त भी निकलता है, घाव भरता नहीं है, तो ये जो तुलसी की चटनी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब घाव भर जाता है। तो ये तुलसी अपने घर में जरूर रखिए, कम से कम स्वयं पाक घर के नजदीक रखिए, गमले में लगा कर रखिए, और घर में थोड़ा बड़ा बगीचा है तो ज्यादा बड़े इलाके में लगा के रखिए, बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी।